हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे पुर्तगीज लीग के होने वाले अगले फुटबॉल मैच की, जो होने वाला है जिल विसेंटी वर्सेस मेरी टीमों टीम के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लाइन्स आउट हो चुकी है, तो जल्दी से बनाएंगे हम अपनी विनिंग टीम। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट टेबल रैंकिंग की। तो जिल विसेंटी ने 26 मैचेस खेले हैं, 7 विन किए हैं, 9 लॉस किए हैं, 9 ड्रॉ किए हैं और 10 लॉस किए हैं। इसके साथ ये रैंकिंग में 11 नंबर पर। वहीं बात की है दोस्तों मेरी टीमों टीम की, तो इसने कुल 26 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 ड्रॉ किए हैं और 11 हारे हैं। इसके साथ ये रैंकिंग में 15 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम विसेंटी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी इसी बात करते हैं जिल विसेंटी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिल विसेंटी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ के रोमिन फर्नांडिस। ठीक है, इन्होंने 24 मैचेस खेले हैं, 1 असिस्ट किया है। सेंड्रो लीमा 26 मैचेस खेले हैं, 10 गोल करे हैं बंदे ने और 1 असिस्ट किया है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये सेंड्रो लीमा, कैप्टन और वाइस कैप्टन के नजरिए से भी खास इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, तो वोहिज करीब 24 मैचेस खेले हैं भाई ने, 4 गोल और 1 असिस्ट किया है। ठीक है, हेनरी जोमेज 4 असिस्ट किए हैं, योगुर नगोरिया 2 असिस्ट। ठीक है, और बारेब ने 3 गोल किए, असिस्ट 1 भी नहीं किया, अच्छा प्लेयर है ये भी। ठीक है, लॉरेंसी 3 गोल 2 असिस्ट। ठीक है, तो ये प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर, और भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बताए हैं जिल विसेंटी टीम के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, अगली टीम की बात करेंगे। अगली टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि लाइन्स आउट होने वाली हैं, हमारे टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, देख लेना आप, मैंने जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेरी टीमों एफसी के इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, तो यहाँ से जो बेस्ट प्लेयर है हमारे वाले उनको देखेंगे, क्योंकि लेंस आउट होने वाली है। जेड जूनियर है 25 मैचेस 2 गोल। ठीक है, नानू 27 मैचेस में 2 गोल किए नानू ने। ठीक है, रोबिन इंजर्ड है नहीं खेल रहे। जे कोरिना 23 मैचेस में 3 गोल। ठीक है, एफ बेमबॉक 24 मैचेस में 3 गोल, और जॉन क्ले 13 मैचेस में 2 गोल। डी मायदा 23 मैचेस खेले हैं भाई ने, 4 गोल किए हैं। आर पी हो 23 मैचों में 6 गोल, ये भी अच्छा बंदा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको और भी आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि लाइन्स आउट होने वाली है, हमको सीधी सीधी ड्रीम टीम बनानी है। ठीक है दोस्तों, अब तो ये आप और देख लेना, जो कोई भी आप जानकारी हो, वैसे इंपॉर्टेंट प्लेयरों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीधे सीधे ड्रीम टीम की। चलिए बात करते हैं दोस्तों ड्रीम टीम की। तो देखिए, गोलकीपर सेक्शन से मैंने मार्सेलो को लिया है, 4 डिफेंडर लिए हुए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों, जेड जूनियर को भी लेना होगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो एक टीम में आप जेड जूनियर को भी ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, 4 मिडफील्डर है मेरे पास, 2 स्ट्राइकर हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो दोस्तों मैंने बनाया है जेरोना और बेम्बोक को। ठीक है, आप चाहो तो बेम्बोक को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप कैप्टन वाइस कैप्टन में लीमा को भी ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, कैप्टन के लिए लीमा बेस्ट है, क्योंकि लीमा बहुत ही अच्छी फॉर्म में, एक ही मैच तो खेला है लीमा ने अभी केवल। ठीक है दोस्तों, 2 मैच खेले हैं। ठीक है, तो प्ले बंदा बहुत अच्छा है, मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस बताया इसका। ठीक है, तो लीमा को भी आप ट्राई करना एक टीम में। ठीक है, मेरी ड्रीम टीम ये रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप इसको अप्लाई करना, उनको भी आप अप्लाई करना। स्मॉल लीग के लिए आप इसे रहने दें। ठीक है, और ग्रैंड लीग के लिए आप 2 टीमें बनाएं, कम से कम 2 या 3 टीमें। तो जो मैंने प्लेयर में बताए हैं कि इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, तो वो ट्राई करना है आपको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।